अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एंड आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली। सो स्टूडेंट, एज यू नो, वी हैव कम्प्लीटेड आवर यूनिट नंबर 3 ऑफ ग्रामर स्किल्स इन द लास्ट वीडियो। तो आज हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर स्किल्स का, दैट इज़ अदर टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की और किस्में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व ए एक्सरसाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज के टॉप पर आज की डेट मेंशन कर देंगे। तो आज क्या डेट है, 18/3/21। ठीक है, चले यहाँ साइड पे आपको टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। पहले इनकी रीडिंग करते हैं। वर्ड्स फॉर बॉयज, मेन एंड मेल एनिमल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन, लड़कों को, आदमी को और मेल एनिमल्स को दिए गए नाम को हम कहते हैं मैस्कुलिन नाउन। वर्ड फॉर गर्ल्स, वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन, लड़कियों को, औरतों को और फीमेल जानवरों को, यानी कि मादा जानवरों को दिया गया नाम हम क्या कहते हैं उनको, फेमिनिन नाउन। वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हम आदमी और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर नाउन। आई होप आपको मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन और कॉमन जेंडर नाउन की समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8 फिल करते हैं। फिल इन द मिसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। वो कहते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन लगाकर अपनी स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है। चलें स्टोरी पढ़ते हैं। अ रॉयल पार्टी, एक शाहाना जो थी वो पार्टी, यानी जैसे आप कह लें कि शाही ख़ानदान की पार्टी। ठीक है, द प्रिंसेस स्टैम्प्ड हर फीट एंगरली, हर मदर डैश, प्रिंसेस की मदर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वीन। ठीक है, प्रिंसेस शहजादी और शहजादी की मदर को क्या बोलेंगे, क्वीन, यानी कि मलिका। एंड हर फादर, और शहजादी के फादर को क्या बोलेंगे, किंग। हैड सेंट इन्विटेशन टू हर बर्थडे पार्टी टू मेल्स ओनली बट नॉट टू मेल्स, आदमी और औरतों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फीमेल्स। मेल का फेमिनिन क्या होगा, फीमेल्स। हर मदर हैड इन्वाइटेड द लॉर्ड्स, लॉर्ड का क्या होगा, फेमिनिन लेडीज़। ठीक है, लॉर्ड्स जो हैं वो हम नवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेगमों के लिए हम यूज़ करते हैं लेडीज़। तो लॉर्ड का फेमिनिन क्या होगा, लेडीज़। द ड्यूक्स, ड्यूक्स का फेमिनिन क्या होगा, डचेस। तो मेरे साथ आप यहाँ पे लिखेंगे डचेस, DUCHESSS। द काउंट्स बट नॉट द डैश, तो काउंट्स का जैसे ड्यूक का डचेस हुआ था तो काउंट्स का क्या होगा, काउंटेसेस, COUNTESSES, काउंटेस से ये क्या बन गया, काउंटेसेस। हर ब्रदर डैश, अब शहजादी का जो भाई होगा वो क्या होगा, शहजादा होगा। अगर प्रिंसेस शहजादी को कहते हैं तो शहजादे को क्या बोलेंगे, प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस हैड आस्ट अ विज़र्ड, विज़र्ड कहते हैं जादूगर को। तो जादूगर का अगर कि अगर हमने फेमिनिन नाउन लिखनी होगी तो वो होगी विच, यानी कि जादूगरनी, WITCH, विच। ठीक है, एंड अ लैड फॉर फ्रॉम द विलेज, लैड कहते हैं जवान लड़के को, बट नॉट अ डैश, यानी कि जवान लड़का है अगर उसको लैड बोलते हैं तो लड़की को क्या बोलेंगे, गर्ल, जैसे बॉय और गर्ल होता है ना उस तरह लैड और गर्ल भी होता है। ठीक है, वट एवर वर यू थिंकिंग, यू विल हैव टू सेंड न्यू इन्विटेशन, आई वॉन्ट डैश एज वेल एज मैन। अब यहाँ मैन लिखा हुआ, मैन का फेमिनिन नाउन क्या हो जाएगा, वुमेन, WOMEN, वुमेन। शी रिमांडेड द न्यू इन्विटेशन वर सेंट एंड द गेस्ट ऑल हैड अ गुड टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी में हमने क्या करना है, पूरी इस पार्टी की स्टोरी में से हमने मैस्कुलिन नाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो मेल के लिए, आदमियों के लिए होते हैं वो यहाँ लिखने हैं, और जो औरतों के लिए होते हैं, फेमिनिन जो होते हैं, वो यहाँ लिखने हैं। ठीक है, चलें देखते हैं, अंडरलाइन कर लें चाहे आप अपनी आसानी के लिए, चाहे आप वहाँ से देखते जाएँ। ये है प्रिंसेस, तो प्रिंसेस जो है वो हम कहाँ लिखेंगे,
फेमिनिन में, तो हम दोनों साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंसेस पहला वर्ड हमारा कहाँ पे आएगा, फेमिनिन में, PRINCESS, प्रिंसेस। प्रिंसिपल, प्रिंसेस के बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है क्वीन। क्वीन हम कहाँ पर लिखेंगे, फेमिनिन में, QUEEN, क्वीन। क्वीन के बाद हमारा क्या आ रहा है, किंग। किंग हम कहाँ लिखेंगे, मैस्कुलिन में। किंग के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है, देखें ज़रा, ढूंढें मेरे साथ, मेल। मेल कहाँ लिखेंगे हम, मैस्कुलिन में। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फीमेल्स, और फीमेल्स कहाँ लिखेंगे हम, फेमिनिन में। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगर आप गौर करें तो मदर और फादर भी है, लेकिन हमने मदर और फादर क्यों नहीं यहाँ पे लिखा, वैसे हम लिख सकते हैं क्योंकि मदर जो है ये फेमिनिन में आती है और फादर जो है ये हमारे मैस्कुलिन में आते हैं, तो हम लिखेंगे बिल्कुल जो फादर है वो लिखेंगे मैस्कुलिन में, FATHER, फादर, और मदर कहाँ पे लिखेंगे, फेमिनिन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज़ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स हम लिखेंगे मैस्कुलिन में। और नेक्स्ट है हमारे पास लेडीज़, और लेडीज़ हम कहाँ पे लिखेंगे, फेमिनिन में। लॉर्ड्स और लेडीज़ के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ ड्यूक्स। तो ड्यूक्स हम लिखेंगे मैस्कुलिन में। स्टूडेंट यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी रेस कर देंगे, DUKES, ड्यूक्स। और नेक्स्ट कौन सा वर्ड आ रहा है हमारे पास, डचेस। डचेस आ जाएगा हमारा इधर फेमिनिन में, DUCHESS, डचेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है काउंट्स। काउंट्स आएगा मैस्कुलिन में, ठीक है। और काउंटेसेस आ जाएगा हमारा यहाँ पर फेमिनिन में, COUNTESS, काउंटेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंस। प्रिंस कहाँ आएगा हमारा, फेमिनिन में, हमने प्रिंसेस लिखा है ना, तो प्रिंस हमारा कहाँ पे आएगा, मैस्कुलिन में, PRINCE, प्रिंस। प्रिंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, विजर्ड। विजर्ड जो है आएगा हमारा मैस्कुलिन में, WIZARD, विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, ठीक है। और विच यानी कि जादूगर नहीं आएगा हमारा फेमिनिन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैड और गर्ल। लैड जो है वो लड़के को कहते हैं, वो मैस्कुलिन में आएगा, और गर्ल जो है वो लड़की को कहते हैं, तो वो कहाँ पे आएगा हमारे पास, फेमिनिन में। लैड और गर्ल के बाद हमारे पास है वुमेन और मैन। अब वुमेन जो है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, फेमिनिन में, WOMEN, वुमेन। और मैन कहाँ पर लिखेंगे, मैस्कुलिन में। और यहाँ पे हमारा जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने यहाँ लास्ट में हमसे पूछा, कैन यू फाइंड वन कॉमन जेंडर नाउन इन द स्टोरी। क्या आपको यहाँ पे कोई कॉमन जेंडर नाउन नज़र आया, यानी ऐसा वर्ड जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। मैंने तो ढूंढ लिया हुआ है, आप देखिए ज़रा। चले मैं ही बता देती हूँ, गेस्ट। गेस्ट कहते हैं मेहमानों को, और मेहमान में तो आपको पता है मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो गेस्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, GUESTS, गेट्स। तो पेज नंबर 16 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम पेज नंबर 17 अपनी एक्सरसाइज नंबर बी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर बी है हमारी, द फॉलोइंग आर द वर्ड फॉर पीपल एंड एनिमल, सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू ईदर मैस्कुलिन और फेमिनिन और कॉमन जेंडर नाउन एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि आपने तीन डिफरेंट सेक्शंस में लिखने हैं। अगर तो वो फीमेल हैं तो फेमिनिन नाउन में आ जाएंगे, अगर वो मेल है तो मैस्कुलिन में आ जाएंगे, अगर कॉमन जेंडर यानी ऐसे वर्ड्स हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पे आ जाएगा, कॉमन जेंडर में, ठीक है। इधर चले पहला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, या ऐसा करते हैं स्टूडेंट हम ना वर्ड्स के ऊपर उनका अल्फ़ाबेट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारा लेपर्ड है ना पहला, तो अगर तो ये फेमिनिन है तो हम इसके ऊपर एफ़ लिख देते हैं, अगर तो ये मैस्कुलिन है तो एम, कॉमन जेंडर है तो सी लिख देंगे। इससे हमारे पास आसानी हो जाएगी, पहले सबको हम पॉइंट आउट कर लेंगे और फिर अपने रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में लिख देंगे, ठीक है। पहला है हमारा लेपर्डस। लेपर्डस जो है दिस इज़ अ फेमिनिन, जो कि फेमिनिन है किसका, लेपर्ड का, चीते का,
ठीक है। चीत अगर तो मेल है तो उसके लिए हम लेपर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, चीता है, और अगर फीमेल है तो उसके लिए हम लेपर्ड का। इट्स मीन ये हमारा फेमिनिन है, इसमें हमने क्या लिख दिया एफ। उसके बाद है ड्रैक, ड्रैक कहते हैं कीड़े को, तो ये हमारा क्या है मैस्कुलन, इसमें हमने क्या लिख दिया एम। उसके बाद है बटलर, बटलर कहते हैं मैन सर्वेंट को, यानी अगर आपने ऐसा मुलाजिम रखा है जो कि आदमी है तो वो उसको हम बटलर कहेंगे, इट्स मीन ये हमारा मैस्कुलन है। नेक्स्ट है कैटल, कैटल कहते हैं मवेशी को, यानी कि इसमें मेल गोट, फीमेल गोट, ठीक है, और काओ और बुलॉग, सारा कुछ जो है वो मिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इट्स मीन ये हमारा कॉमन जेंडर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेयर, मेयर जो है वो है हमारा फेमिनिन, और इसका मैस्कुलिन हमारा होता है डोंकी, हॉर्स, सॉरी हॉर्स, यानी कि अगर फीमेल है तो उसके लिए हम हॉर्स यूज़ करते हैं, और अगर फीमेल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं मेयर। इट्स मीन मेयर जो है हमारा फेमिनिन है। उसके बाद इंजीनियर है, इंजीनियर आपको पता है गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज़ भी हो सकती हैं, इट्स मीन ये हमारा कॉमन जेंडर है। उसके बाद है विक्सन, विक्सन जो है फेमिनिन है किसका, फॉक्स का, यानी लूमड़ी का, ठीक है, ऑक्स का, तो ये हमारा क्या है फेमिनिन है। उसके बाद है हाउस मेड, हाउस मेड का मतलब है घर में काम करने वाली औरत, यानी कि फीमेल सर्वेंट, इट्स मीन ये हमारा क्या है फेमिनिन है। उसके बाद है मैट्रन है, मैट्रन कहते हैं शादीशुदा औरत को, इट्स मीन ये भी हमारा फेमिनिन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बक, बक कहते हैं मैच्योर मेल को, यानी जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, अक्ल समझ रखता है, तो उसके लिए हम बक का वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स मीन ये हमारा क्या है मैस्कुलिन। उसके बाद है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहते हैं नवाब ज़्यादा, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें जायदाद होती हैं, तो लॉर्ड बेसिकली हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कज़न, कज़न आपको पता है हमारी लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, इट्स मीन कज़न हमारा कॉमन जेंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट है माउस, स्टूडेंट माउस जो है वो कॉमन जेंडर है, ठीक है, फीमेल के लिए भी हम माउस यूज़ करते हैं और मेल के लिए भी, इट्स मीन ये हमारा कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं स्टूडेंट को, शागिर्द को, तो आपको पता है स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी, तो ये भी हमारा कॉमन जेंडर होगा। नेक्स्ट है प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट किसे कहते हैं हम, हुक्मरान को, मतलब जो मुल्क चलाते हैं, ठीक है, तो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इट्स मीन ये भी हमारा कॉमन जेंडर में जाएगा। नेक्स्ट है रैम, रैम कहते हैं मेंढा को, मेंढा, तो ये भी जो है हमारा क्या है मैस्कुलिन है। नेक्स्ट है नीस, नीस कहते हैं भांजी को, तो आपको पता है भांजी जो है वो क्या होती है फेमिनिन। मोंग कहते हैं शादीशुदा आदमी को, जैसे कि मैट्रन हमने पढ़ा ना, फीमेल को कहते हैं यानी शादीशुदा औरत को, और मोंग कहते हैं शादीशुदा मर्द को, तो ये हमारा क्या है मैस्कुलिन। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, जो जिन पे आपने एफ लिखा है फेमिनिन उनको फेमिनिन नाउन में पुट कर देना है, जिन पे एम लिखा है उनको मैस्कुलिन नाउन में, और जिन पे सी लिखा है उनको कॉमन जेंडर नाउन में, जल्दी से ही आप राइट करें। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने सारे फेमिनिन नाउन ऊपर से ढूंढ के फेमिनिन में लिख देने हैं, मैस्कुलिन मैस्कुलिन नाउन में, और कॉमन जेंडर नाउन में। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई हो, इसको नीटली आपने अपनी ग्रामर स्किल पर सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।